इसमें जो टिंच है वो आपको ब्लू और डार्क ब्लैक का, नाइट में आपको पूरा ब्लैक दिखेगा और डे टाइम में आपको ब्लू का सिग्निफिकेंस दिखेगा। भूल जाइए। मैंने स्टार्टेड, देयर इज नो साउंड, इट्स स्टार्टेड। एक्चुअली सर वो ब्रेक पे प्रॉपर पैड नहीं गया था। अच्छा। हाँ, ब्रेक पे प्रॉपर पैड नहीं जाएगा ना। प्रॉपर पैड है मेरा। नहीं, स्टार्ट करे थे उस समय नहीं था। मैंने इग्निशन ऑन किया। अब ये देखो स्मूथ हो गया स्टीयरिंग। व्हीकल इज स्टार्ट। दिस इज रिवर्स। अब जैसे आप ब्रेक छोड़ेंगे ना, व्हीकल विल नाउ मूव फॉरवर्ड नमस्कार दोस्तों, आज वरियानी मोटर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज जयपुर में कौन सा शोरूम है ये बताइए। ये वैशाली नगर में आकर फोर व्हील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्वींस रोड पे। तो आज यहाँ नेक्सॉन ईवी मैक्स का, ये नेक्सॉन का अपग्रेडेड मॉडल राइट 2.0 है, ये लॉन्च हुआ है। तो अपन जानेंगे बेसिक इसका कि कितना अपग्रेड हो गया ये नेक्सॉन 1.0 से। तो सर बेसिक सवाल ये आता है कि एवरेज कितना देती है, एफिशिएंसी कितना देती है। सर ₹1 पर किलोमीटर आपकी गाड़ी रनिंग कर रही है। ओके। 400 किलोमीटर की आपको रेंज इसमें मिलती है। ओके। ये ऑन पेपर है ये। जी सर। और वैसे टेस्ट में कितना दे सकती है। टेस्ट में आपको 360-370 के लगभग आपको मिलेगा। अच्छा, और पुरानी वाली कितना देती थी कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से। 213-250 सर। 250। तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, और मुझे कैलकुलेशन इतनी देर नहीं आती कि हैंड बता सकूँ कितना इम्प्रूवमेंट, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। और सर इसमें चेंजेस क्या क्या हैं अंदर। सर इसमें आपके बैटरी कैपेसिटी चेंज आई है, जो 40.5 किलोवाट में आपको बैटरी कन्वर्ट हुई है सर। इससे आपकी किलोमीटर रनिंग एक्स्ट्रा हो गई है सर। और काफ़ी फीचर्स भी थोड़े चेंज हुए हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं आपको वेंटिलेटर सीट, ये जो मॉडल है नेक्सॉन ईवी एक्जेट प्लस लक्स मॉडल है। अच्छा। 2.0 इसमें चार्जर आपको दो मिलते हैं, एक स्लो चार्जर मिलता है, एक फास्ट चार्जर मिलता है। 3.3 किलोवाट का एक चार्जर आता है जो 15 घंटे में आपको चार्ज करके मिलेगा। एक 7.2 किलोवाट का चार्जर आता है जो आपको 7 घंटे में आपको चार्ज करके मिलेगा।
मतलब होम चार्जर होगा, होम चार्जर है सर। फास्ट चार्जर आप देखते ही हैं, वो आपको 60 मिनट में आपको फुल चार्ज करके स्टेशन पे होगा, स्टेशन पे मिलेंगे सर आप। तो सर इनके स्टेशन अभी अवेलेबल है? जी सर, अभी जयपुर में 13 अवेलेबल है। तो जिनके पास नेक्सॉन ईवी है तो वही चार्जर से, वही इसी गाड़ी से इसको चार्ज कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। पर चार्जिंग में टाइम लगेगा? चार्जिंग में टाइमिंग लगा, वो किलोवाट डिफरेंस हो गया ना सर। अच्छा, किलोवाट डिफरेंस हो गया। जी सर, तो सर इसकी टॉप स्पीड में क्या इजाफा आया होगा? सर टॉप स्पीड सेम है, थोड़ा पिकअप आपके जो टॉर्क है उसका 250 टॉर्क हो चुका है न्यूटन मीटर। हाँ ओके, ये समय बस बढ़ चुका है, टॉर्क बढ़ चुका है। स्पीड वही है? स्पीड वही है, 120 आपको टॉप स्पीड इसकी, ओनली 120 सर। 9 सेकंड में 100 के अबाव की स्पोर्ट मोड में आपकी जी सर 9.9 सेकंड। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए और इंडियन व्हीकल के सबसे, 9.9 सेकंड में 100 की स्पीड, जो कि बहुत ज़्यादा। अपन टेस्ट ड्राइव भी लेंगे तो अपन टेस्ट ड्राइव में बताएंगे कि कैसा इंप्रूवमेंट इसके अंदर हुआ है, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो मैं आपको एक बार अंदर से एक बार आपको सर्विस के बारे में बता दूँ, उसमें क्या क्या होगा। सर सर्विस के बारे में कॉस्ट बताएंगे कुछ? सर सर्विस कॉस्ट इसकी कंपनी के अकॉर्डिंग 3 सर्विस फ्री है आपकी। okay. उसके बाद में 60 किलोमीटर पर आपको 60,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होगी, जिसमें हाँ फर्स्ट सर्विस, जिसमें ऑयल चेंज होगा, ब्रेक ऑयल जो आता है, कूलिंग नॉर्मल, आपके सर्विस अलाइनमेंट सेटिंग नॉर्मल है, जो 2,500 से 3,000 रुपये समथिंग की कॉस्ट आएगी। तो दोस्तों कई लोगों स्टार्टिंग में लगता है कि ईवीज़ बहुत महंगी है, लेकिन इनकी सर्विस के नाम पे कुछ ज़्यादा है होता नहीं है, बस थोड़ा सा कूलेंट और थोड़ा सा और ब्रेक ऑयल और थोड़ा बहुत जो भी ग्लाइकोल ऑयल्स होते हैं वो सारे चेंज होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक पैड होगा, ब्रेक पैड रियर एंडेड पार्ट का तो लगता है, ऑब्वियस ये बात है, वो जो कि बहुत ही औसम है। चलिए मैं आपको एक बार अंदर से दिखाता हूँ कैसी ईवी और क्या क्या अंदर से चेंजेस हुए हैं, तो अपन एक बार अंदर चलते हैं एक बार। गाइस अभी बेसिकली क्या है, अपन राइट साइड में आ गए ड्राइवर सीट के साइड में, अपन एक बार ओपन करते हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स। तो ये सर अपने बताएंगे थोड़ा बहुत इंटीरियर के बारे में, सर एक्सप्लेन सीट्स में क्या अपग्रेड हुआ है। मैं सर अपने जो 1.0 थी जो नेक्सॉन ईवी उसके रिकॉर्डिंग 2.0 है, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी जो कि एयर मतलब एसी के वेंट से इसमें आगे और पीछे। ओके ठीक है, यहाँ बटन यहाँ स्विच आ जाएगा जो इसमें टेम्परेचर के हिसाब से 1 सेकेंड लेवल 3 लेवल तक का है। ओके, इसमें आपको डिजिटल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। ओके डिजिट, और इसमें आपको इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक मिल गया, ऑटो होल्ड मिल गया। okay. और पार्क असिस्ट मिल गया। ओके okay. ठीक है, इसमें ये अपना पुश बटन स्टार्ट है जो इसकी स्मार्ट लुक देता है। okay, इसका एसी चालू हो गया, ये एसी चालू हो गया। ये अपने बाय हरमन का 7.7 इंच का म्यूजिक सिस्टम है, टच स्क्रीन एंड रियर कैमरा। ओके ठीक है, इसमें अपने वायरलेस चार्जर आ गया। ओके okay. सनरूफ है, लक्स मॉडल है, टॉप मॉडल जो अपने सनरूफ आ जाता है इसमें। ओके और सबसे बेहतरीन ये बात है कि जो अपने 1.0 थी उससे बेस्ट फीचर दिए हैं, जैसे कि इसमें क्रूज कंट्रोल दे दिया जो कि हर कस्टमर को नीड रहती है, क्रूज कंट्रोल की डिजिटल मीटर दे दिया जिसमें आपको बैटरी बैकअप और रेंज की इमेज दिखाई देगी। ये इसमें 3-4 मोड्स आए हैं, पार्किंग मोड्स है अपने, रिवर्स मोड्स है एंड न्यूट्रल एंड ड्राइविंग। ओके बेहतरीन बात यह है इसमें इको मोड भी दे दिया। ओके इको और स्पोर्ट्स दोनों मोड्स दे दिए, पहले वाले जो मॉडल था नेक्सॉन 1.0 में स्पोर्ट्स मोड था, इसमें आपके इको मोड दे दिए और सिटी मोड दे दिए। ऑटो क्लाइमेट एसी है, अपने मैनुअल है। ठीक है, ये अपने लॉक अनलॉक का हो गया, ये बूट स्पेस खोलने का अपने। ओके ठीक है, ये अपने फोग लैंप्स का हो गया और ये जब अपन चार्जर लगाते हैं गाड़ी को तो चार्जर जो गन लगती है उसको हटाने के लिए स्विच दे रखा है। ओके. जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे जब तक वो चार्जर निकलेगा नहीं अपना। ठीक है, और ये जैसे ये अपन चढ़ाई पे जा रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं किसी पहाड़ से तो ये ऑटो हिल असिस्ट का आ गया। हिल असिस्ट हो गया। ठीक है, इसमें अपना 15 लीटर का कूल ग्लोव बॉक्स भी मिल जाता है जो कि काफी बेहतरीन है होने पे। तो गाइस अभी बेसिकली क्या है, मैं 6 फीट 1 इंच का बंदा, ठीक है। अब लोगों को ज्यादा इशू आता है कि हाइट कितनी आ रही है कि अंदर बैठने के वक्त, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। तो बेसिकली 6 फीट 1 इंच के लिए बंदे के लिए आपके ऊपर हाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना गैप आ रहा है, कम से कम एक मुट्ठी के बराबर गैप आ रहा है जो कि बहुत बढ़िया है। सीट थोड़ी वैसी है, रश मोड में निकली लेट लेट चलाने वैसे ये बहुत एग्रेसिव नहीं है, आराम से कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया है। स्पेस मेरे लिए इतना आ रहा है अभी, अगर बहुत ज़्यादा ही हो गया ये तो गैप, लेकिन बहुत बढ़िया है। क्लच इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, कई लोगों को इशू होता है कैसे क्लच होता है, क्लच नहीं आएगा, ओनली ब्रेक ओनली। फिर इसके बाद ये अपना एक्सीलेटर केबल आएगी, एक्सीलेटर पैडल आएगा और एक सेकंड। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का ऑप्शन बहुत प्यारा सा आ गया है इधर, या
और एक ये आ गया सनरूफ, इसमें ग्लास आ गया, इसमें ग्लास आ गया आपके, जो लेडीज लोग मेकअप करती हैं देखना होता है तो अपना ऑटो डिमिंग मिरर आ गया, इनसाइड मिरर। अच्छा ऑटो डिमिंग भी आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, ओके दैट्स वेरी नाइस। तो एसी ऑन है भी इसका? ये एसी ऑन है। अच्छा एसी ऑफ, एसी ऑन हो गया, ये ऑफ का ऑप्शन आ गया, ये ऑटो क्लाइमेट है जो कि टेम्परेचर के हिसाब से अपन को ओके खुद को कंट्रोल कर लेगा, बिल्कुल ओके। अपन एक बार पीछे चलते हैं, पीछे क्या वो है डिफरेंस आ गया। तो अपन अब पीछे आ गए हैं, पीछे की तरफ अब देखते हैं कितना है। ओके तो पीछे गाइस 6 फीट 1 इंच इतना गैप, और सिर की तरफ से इतना मेरे गैप आ रहा है, जो कि ये भी मुट्ठी बराबर ही है जो कि बहुत बढ़िया गैप है। इस गाड़ी की एक खासियत है कि ये सीट थोड़ी ऐसी है कि आराम से वह लेटे रहो, मतलब कंफर्ट लेवल का पूरा ध्यान दिया गया है, और सीट भी काफ़ी कुशनिंग भी अच्छी है। नई गाड़ी ऑब्वियसली बात है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करके टाइम के हिसाब से कैसा करता है, लेकिन हाँ कुशनिंग बहुत अच्छी कर दी गई है, बहुत गैप है। और लोग कह रहे हैं कि इसमें बूट स्पेस नहीं है, तो बूट स्पेस है, आराम से है, स्मूथली मेरे पैर घूम रहे, पन्नी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही लेट गया हूँ, पर इतना भी है कि आराम से है बहुत ज़्यादा। पीछे आपको एसी दिया गया है और अभी चल रही है अभी, पर हाँ पीछे अभी चार्जर शायद हटा दिया गया है, चार्जर नहीं मिल रहा, बैक साइड में कर दिया गया है। अच्छा बैक साइड में कर दिया गया, हाँ ओके बैक साइड में आपको चार्जर मिल जाएंगे। 360 सीट आपको फोल्डेबल आपको इसमें मिल जाएगा, चाइल्ड सीट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये पता नहीं अभी क्या अपडेट दे दिया, ट्यूटर है सर, चार ट्यूटर, चार स्पीकर आपको मिल रहे हैं। अच्छा ट्यूटर है ये स्पीकर है, ओके यहाँ ट्यूटर आ गया। ट्यूटर मतलब क्या है ये? ट्यूटर साउंड को बेसिक बनाने के लिए है, उनको साउंड को मिनर करने के लिए, ओके साउंड में जो जंग आता है वो उससे जंग। अच्छा सिंक कर देगा जी सर। अब हम बूट स्पेस देखते हैं एक बार, बूट कैसा आता है, बूट एक बार सर अपन को दिखाते हैं। या नेक्सॉन का बूट स्पेस 350 लीटर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, 350 लीटर 350 लीटर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, ओके। ये इसका चार्जर आता है स्लो चार्जर जो 3.3 किलोवाट, ये आपको होम चार्जर है, होम चार्जर है जो आपके घर पे आपको मिलेगा, ओके। इसका नोब खोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल चार्जर है ना जी सर, ओके। और ये क्या चीज़ है अपने टायर? ये नहीं सर, ये अपने घर पे लगता है, ये चार्जर स्टेशन है जो अपने डाटा पावर की तरफ से आपको लगेगा, ओके ओके। ये इसका कवर है साथ के साथ, इसमें आपको पंचर किट भी आपको मिल जाता है, ओके। इसमें टायर आपको मिल रहा है, टायर स्टेपनी आपको मिलती है, इसके नीचे आपको टायर स्टेपनी मिल जाएगी, ओके। ये टायर काफी अच्छा स्पेस है, या मेन तो इसमें आराम से एक बंदा आराम से आराम से सर आराम से आ सकता है पूरा। और क्या चाहिए, मतलब बैग आप कम्फर्टेबली लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टाटा की तरफ से बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट, बैटरी इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि रेंज की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही थी, मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रेच में आप फुल चार्ज में आराम से चला के जयपुर टू दिल्ली जा सकते हैं इजीली, और वहाँ पे कहीं चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज कर सकते। और टाटा की एक और खासियत है कि ये अभी भी दे रहे हैं, ये लायन का और ये इसका कप का, बहुत ही बढ़िया। गाइस बोनेट देखो कितना ऑसम है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कवर लगा दिए, ठीक है। टाटा की बिल्ड क्वालिटी का कोई जवाब ही नहीं है यार, ऑब्वियसली बात आप देखते होंगे, ओके। ये देख सकते हैं ये ऑयल नहीं है, ये कूलेंट के हैं, ये बैटरी कूलेंट है कुछ, ये ब्रेक ओके, ये ब्रेक ऑयल आ गया अपने, ठीक है। ये ABS EBD सिस्टम है इसमें, ओके। और ये अपना ECU कंट्रोल के लिए, यहाँ से अपन ECU कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपना सर्विस डिस्कनेक्ट, सर्विस 96 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, ओके ठीक है। बैटरी जो अपने है फ्लैट के अंदर आएगी पूरी, साइड में आती है वो, हाँ 408 किलो की बैटरी का वेट रहता है, ओके, इसलिए उसको फ्लैट में लगा दी गई है। और हर सर्विस के बाद चेंज होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, सर्विस के बाद 8 साल की वारंटी आती है बैटरी प्लस मोटर की, या 160,000 किलोमीटर जब तक, और वैसे लाइफ है बैटरी की 15 साल, तो बिल्कुल चेंज नहीं होता, ओनली फॉर सर्विस पर आपके 60,000 किलोमीटर पर आपके कूलेंट चेंज होंगे, जो कि बैटरी और मोटर को ठंडा करने के लिए होता है। जी जी गाइस बेसिकली देखो काफ़ी अच्छा गैप है, मेरा पूरा हाथ आ रहा है इसमें, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा बना है। टायर्स अपने इसमें वांडरर के मिल रहे हैं, ये 215/60 के R16 95H है, तो मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड ले सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा के ही अलॉयज़ हैं, और रियर डिस्क ब्रेक भी इसमें आ रहा है, आगे भी और पीछे भी, मतलब चारों टायर में डिस्क ब्रेक है इसमें, या तो मतलब ब्रेकिंग तो ऑसम रहने वाली है। ये देखो गाइस डिस्क ब्रेक, चारों में डिस्क ब्रेक है, आपको LEDs में स्ट्रिप लाइट मिल जाएगी आपको ये स्ट्रिप में स्ट्राइप में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़, और आगे शेयर करना, और प्लीज़ सपोर्ट यार, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ओके गाइस चलो चलते हैं।